बार नवोदय पार में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जो 13 नंबर का टॉपिक है, नवोदय क्लास का 13 नंबर, 6 क्लास की बात कर रहा हूँ, 13 नंबर के टॉपिक की बात करेंगे। और इस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, और शॉर्ट कट में हम इसको कह सकते हैं SI। बिल्कुल हमें इतना डीपली नहीं जाना है, और हमें सिर्फ क्लास 6 और जो नवोदय में इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि जो साधारण ब्याज है वो क्या होता है। मान लिया कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ऐसे बोल सकता हूं कि एक साहूकार है और एक जो मजदूर आदमी है। मजदूर आदमी एक साहूकार के पास जाता है और कुछ धन उधार लेता है, ठीक है, कुछ धन उधार लेता है। वो धन उसे कुछ समय के लिए दिया जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा। कुछ समय के लिए लिया जाता है, उसके बदले में उससे कुछ समय के बदले उसके क्या किया, जो हम मूल धन लेते हैं ना, जो हमारा जो मान लो 2000 रुपए लिए, कुछ दिन बाद वो उससे एक्स्ट्रा रुपए लेता है। तो जो एक्स्ट्रा रुपए जो आते हैं ना, वो उसका क्या होता है, ब्याज होता है। जितने समय के लिए दिया जाता है वो क्या, समय की गणना की जाती है, और कौन सी दर से वो रुपए ले रहा है वो क्या कहलाती है, दर, ठीक है। तो बात करते हैं कि साधारण ब्याज की जो सिंपल डिफिनेशन वो होती है, और सिंपल जो एग्जांपल है उसके बारे में देखना चाहें तो वो क्या होता है कि 2000 रुपए मान लो मैं किसी से उधार लेता हूं, और वो कहता है कि मैं तेरे को उधार तो दे दूंगा, लेकिन है ना उसके ऊपर साधारण ब्याज लगेगा 2 रुपए के हिसाब से, 2% की दर से क्या साधारण ब्याज लगेगा। और वो कह रहा है कि भाई तू ब्याज तो ले लेना, लेकिन अब कितने समय के लिए, मेरे को तो 2 साल तक चाहिए कि 2 साल के बाद में तेरा क्या है जो मूलधन है वो लौटाऊंगा। तो वो बोलता कोई बात नहीं है, मेरे को तो पैसों से मतलब है, और वो कह रहा है कि मेरे को तो 2% की दर से मैं तेरे को ब्याज दे दूंगा, यानी कि 2% के हिसाब से मैं तेरे को ब्याज दे दूंगा, तू मेरे को 2 साल के लिए रुपए दे। वो क्या, वो रुपए ले लेता है और आ जाता है। चलो शॉर्टकट में हम बात करते हैं कि जो मूलधन क्या होता है, मूलधन इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल आपका जो होता है ना स्कूल में वो होता है, एक प्रिंसिपल ये होता है। आपकी लाइफ में दो ही प्रिंसिपल आएंगे, एक प्रिंसिपल तो आएगा मूलधन, और एक प्रिंसिपल आपका आएगा स्कूल वाला, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि मूलधन, देखो यहाँ पे धन से तो आपको समझ में आ रहा है कि धन यानी क्या होता है, पैसा होता है। मूल यानी क्या होती है, जड़ होती है, यानी कि हम जो रुपए देते हैं किसी व्यक्ति को, जो रुपए उधार देते हैं वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, ठीक है। इसकी बात हो गई। उसके बाद मैं बात करता हूं ब्याज की, कि ब्याज क्या होता है। मान लो कि मैं कोई निश्चित समय के लिए उसको पैसे दे रहा हूं, और वो पैसे मेरे को वो आदमी देता है और कुछ एक्स्ट्रा देता है, जो हम पैसे देते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, वो क्या होता है, ब्याज कहलाता है, ठीक है। जो डीपली बातें हैं वो आगे करेंगे, जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो बातें हैं वो थोड़े लेवल तक जाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखोगे। उसके बाद एक आता है जो आपके बहुत बार सुनने में आएगा, दर। इसको आपको पता है क्या बोलते हैं, ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, और जो दर होती है उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, आर से लिखते हैं, और इसको बोला जाता है रेट यानी दर। यानी कि मैं 100 रुपए पे उससे जो दर है, यानी 100 रुपए पे कितने रुपए ले रहा हूँ। 100 रुपए पे कोई बोलता है कि मैं तो 2% के हिसाब से लूंगा, कोई कहता मैं तो 2% मेरे को तो सेट नहीं होता, मैं तेरे को 3% में दूंगा, तो ये क्या कहलाती है, दर कहलाती है। उसके बाद एक चीज आपको और सुनने के लिए मिलेगी, क्या सुनने को लिए मिलेगी, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, अब देखो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो अगर मूलधन होता है ना, मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है ना, कि मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है, वो आपकी क्या होती है, मिश्र धन होता है। अब मिश्र धन के बारे में पढ़ेंगे, अगर शॉर्टकट में कहूं तो मिश्र धन क्या होता है, अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दूं तो वो क्या होता है, मिश्र धन होता है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। इसके बाद में देखते हैं इसके जो जनरल फॉर्मूला है, एक हमारा जो फॉर्मूला आता है, जो ब्याज की गणना है प्रत्येक 100 रुपए पर की जाती है, ठीक है, ब्याज की गणना है वो क्या 100 रुपए पे की जाती है, और जो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है,
अगर आपके पास मूलधन है उसको दर से गुणा कर दो और जितने समय के लिए आपने उसको दिया है उस समय से गुणा कर दो और भाग दे दो 100 का। जो हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला होगा, ठीक है, जो ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं, उसके लिए जो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि साधारण ब्याज इज इक्वल्स टू मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में 100, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में कितना 100। बात इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। जब इतनी बातें क्लियर हो जाती है उसके बाद में आपको जो पहले से चल रहा है मिश्रधन, लिख लो आप ये फॉर्मूले। मिश्रधन की गणना की जाती है कैसे, जब मूलधन में हम ब्याज की जोड़ देते हैं ना तो वो आपका क्या होता है, मिश्रधन होता है। इसको हम बोलते हैं पी से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। जो हमारा मूलधन होता है उसको मैं पी से लिखता हूं, जो दर होती है उसको आर से लिखता हूं और जो समय होता है उसको लिखता हूं टी से। तो शॉर्टकट में हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी और बट्टे में कितना 100। ये बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि सिक्स क्लास की बातें हैं, इतनी छोटी छोटी सी बातें करेंगे, ज्यादा डीपली जाने की कोशिश भी नहीं करनी है क्योंकि और भी चैप्टर हैं पढ़ने के लिए। देखो बच्चा क्या होता है कि जो साधारण ब्याज का जो आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं तीन फॉर्मूले और बनाकर दिखाता हूं आपको, तीन फॉर्मूले और बनाकर दिखाता हूं। यहां से आपके पास आ जाए, अगर वो आपको साधारण ब्याज दे देगी, इतना रुपए साधारण ब्याज है और इतने की दर से दर बता रखी है, ये दर लगी और समय बता दिया उसने कि समय भी इतना है, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मूलधन कितना होगा? आपको वो ऐसे कह देता है पर्टिकुलर कि चलो भाई मेरे पास देखो मूलधन का तो मेरे को पता नहीं है, मैं आपको सीधा साधारण ब्याज दे देता हूं। कई क्वेश्चन में ऐसे करेगा कि वो आपको साधारण ब्याज दे देगा और साधारण ब्याज देने के बाद वो दर दे देगा, ठीक है, और दर दे दिए उसके बाद कहेगा कि आपको मूलधन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, देखो साधारण ब्याज आपको दे दिया, दर आपको दे दी, समय दे दिया और मूलधन ज्ञात करना है, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, यहां से देखो मूलधन ज्ञात करना है तो ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज और गुणा में कर दो 100 से और बट्टे में कितना आ जाएगा, दर गुणा समय। आई बात समझ में? अगर मुझे दर निकालनी है सीधी सीधी तो क्या होगा, साधारण ब्याज गुणा 100 और बट्टे में कितना आ जाएगा, मूलधन और गुणा समय। और यहां से आपको अगर समय याद करना हो तो आपको क्या होगा, साधारण ब्याज है ना, उसमें आपको गुणा करना है 100 का और बट्टे में कितना आ जाएगा आपकी बार, दर गुणा मूलधन। आई बात समझ में? ये एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, इससे ही आपके क्या बन जाएंगे, सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब हम करेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे 5-6 क्वेश्चन करेंगे और उन 5-6 क्वेश्चन को लेने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मैं ये चैप्टर कर सकता हूं, ये सवाल कर सकता हूं, साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखने हैं इन क्वेश्चनों को, बिल्कुल 5 ही क्वेश्चन करेंगे, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है मैं आपको ऐसे कर दूं कि 8000 रुपए क्या है, मूलधन है, जो दर है वो कितनी है, 4% है और मैंने 2 वर्ष के लिए दिया है, यानी ये इसका क्या है, टाइम पीरियड है, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 8000 रुपए देता है, 4% की दर से देता है और 2 वर्ष के लिए देता है, तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इसका साधारण ब्याज याद करके बताओ कि साधारण ब्याज कितना होगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसका जो एक क्वेश्चन है वो तो ये हो गया कि आप हमें बताओ कि साधारण ब्याज कितने रुपए आएगा। आई बात समझ में? दूसरी बात ये कह रहा है कि साधारण ब्याज तो आ गया लेकिन आप ये बताओ कि उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, उस व्यक्ति को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि हमें ज्ञात करना है मिश्रधन।
आई बात समझ में, कुल रुपए देने यानी कि सबसे पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मूलधन है उसमें वो जोड़ दूंगा मैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा, यानी कि कुल जितने रुपए उसको पे करने हैं, चुकाने हैं, अदा करने हैं, वो आपके सामने होंगे। सबसे पहली बात जो हमारी मेन बात है वो ये है कि हमें निकालना क्या है, सबसे पहले मुझे निकालना है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मूलधन गुणा दर, और गुणा में क्या है समय, और बट्टे में कितना आता है बच्चा, 100 रुपए, 100 आता है, सॉरी रुपए नहीं, SI इक्वल्स टू PRT बट्टे 100 भी लिख सकता हूं। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, करने नहीं है, हो जाएंगे। आई बात समझ में। चलिए सिंपल इंटरेस्ट की मैं जब गणना करता हूं, मूलधन मेरे पास कितना है 8000 है, गुणा में 4% की दर है, और गुणा में कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए है, और बट्टे में कितना है 100 है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद हो जाएगा, करना नहीं है। उसके बाद जो दिया है वो लिख देना है, काटना है, गुणा करना है, और वो आपके सामने क्या होगा, आंसर होगा आपका। देखो बच्चा, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और सबसे पहले 1 जीरो को भूल जाओ, इसको और इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64, 1 जीरो और है तो 1 जीरो लगा दो, ये होता है इसका गुणा करने का तरीका। देख लिया, 8 को 8 से गुणा किया 64 है, और साथ में 0 है, ये 0 लगा दिया, और गुणा करने का तरीका है यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितना आ गया, 640 रुपए आ गया। यानी कि मैंने पहला क्वेश्चन कर चुका हूं कि साधारण ब्याज कितना आएगा, 640 रुपए, यानी उसको ब्याज के रूप में कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 640 रुपए। उसके बाद ये कह रहा है कि मेरे को मिश्रधन बताओ कि कुल कितने रुपए, तो आपको क्या करना है, जो हमारा मूलधन है उसमें जोड़ देना है, 640 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा बच्चा, 8640 रुपए, यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मेरा है 8000, और प्लस में जो मेरा साधारण ब्याज है वो कितना आया है, 640 रुपए, और इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है बच्चा, 8640 रुपए। यानी उस किसान को, उस व्यक्ति को, उस साहूकार को कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 8640, और अगर ब्याज की बात करता है तो सिर्फ 640 रुपए। चलो करते हैं दूसरा एग्जांपल। मैं लेता हूं, और जो मेरे पास अब की बार मूलधन है 600 रुपए, जो मेरा मूलधन है यानी कि जो प्रिंसिपल है वो है 600 रुपए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी ब्याज की जो दर है वो अब की बार है 4%, और जो समय है यानी कि जो टाइम है वो कितना रुपए है, सॉरी कितना वर्ष है, 3 वर्ष है। तो आपको गणना करनी है सिर्फ मिश्र धन की, मिश्र धन बता दो कि भाई कितना होगा, 600 रुपए पे 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से, और क्या हो जाएगा, मिश्र धन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बट्टे में कितना 100। ये काटा मैंने, 4 को 3 से गुणा किया 12, और लास्ट में कितना है 6, और 12 6 72 होता है 72 रुपीज। जो मेरा साधारण ब्याज है वो कितना आ गया, 72, और अभी मेरे को ज्ञात करना है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है बच्चा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज, यानी मूलधन मेरा था 600 रुपए और प्लस में 72 रुपए ब्याज आ गया, तो जो मेरा मिश्रधन है वो कितना आ जाएगा, 672 रुपए आ जाएगा। चलो यहीं से मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं, और वो क्वेश्चन है आपका ये, बिल्कुल मेरी जो भावनाएं हैं उनको समझने की कोशिश करना और अपने दिल तक जाने की, उस भावनाओं को अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करना।
यहाँ पे जो मूलधन है बच्चा वो 600 रुपए ही है और जो समय है वो 3 वर्षीय है, लेकिन अब की बार उसने रेट नहीं दी और ये कह रहा है कि साधारण ब्याज है वो 72 रुपए। और आपको गणना क्या करनी है, आपको गणना ये करनी है अब की बार कि आप मेरे को वो रेट बताओ, वो दर बताओ कि कौन सी दर से उसका साधारण ब्याज 72 रुपए हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से बोल सकता हूं। कोई व्यक्ति है, मैं उसको 600 रुपए देता हूं और 3 वर्ष के लिए देता हूं, तो उसका जो साधारण ब्याज है वो 72 रुपए हो जाता है कुछ दिनों में। कुछ दिनों में क्या, 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। तो वो कह रहा है कि ये ब्याज है ना वो कौन सी दर से इतने रुपए हुआ, कौन सी दर से इतने रुपए। यानी कि उसके पूछने के कई जो कारण है वो हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, उनका जो बोलने का ढंग है वो कई अलग अलग हो सकता है। मेरे कहने का आप मतलब समझ रहे हो, उसके कहने का मतलब तो अलग अलग होगा लेकिन जो कॉमन सेंस है आपका, जो कॉमन सेंस है वो भी अलग अलग लगेगा, लेकिन जो इसको करने का तरीका है वो एक ही होगा और इसके जो आंसर है वो आपके सामने एक ही आएंगे। क्वेश्चन वो कितनी तरीके से घुमाए लेकिन आपको एक ही पॉइंट पकड़ना है, वो क्या है कि एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और जो जो चीज दी गई है उनको एक बार लिख लेना है और उसके बाद जो पूछ रहा है उसको लिखना है, सूत्र लगाना है और जो चीज पूछ रहा है उसको निकाल लेना। यानी कि मेरे पास तो यही फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में कितना होता है, 100 होता है। देखो फॉर्मूला तो मेरे को यही याद है कि सर फॉर्मूला तो मेरे को यही याद है, अब कैसे करूं आप बताओ, चक्कर में पड़ जाओगे एग्जाम में। लेकिन बेटा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, जो जो चीज दी है ना वो लिखो। साधारण ब्याज दिया है तो 72 रुपए है, बराबर लगाया। मूलधन है दिया है कितना है, 600 है। दर मेरे को दी नहीं है, आर लिख दिया। समय दिया है 3 लिख दिया और बटे में 100 लिख दिया। मुझे क्या निकालना है, दर निकालनी है, यानी इस रेट को इधर रख लो और ये बेहतर है। देखो ये चीज भाग में है ना, तो ये चीज इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। ये चीज गुणा में है तो आ जाएगी भाग में, और गुणा ये 3 चीज भी आ जाएगी आपकी। क्या अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। और 12 बटे 3 यानी 3 चौक 12 और 4% की दर से वो क्या कर रहा है, 4% की दर से ये साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, 72 रुपए हो जाएगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप, मैंने क्या कहा, मैंने यहां से सिर्फ ये चेंज किया था कि सिर्फ ब्याज लिख दिया और आपसे कहा था आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट की जो रेट है ना वो बताओ। और इस तरीके से बस एक ही फॉर्मूले से हम 4-5 क्वेश्चन कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूला है और इस एक फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन कर सकते हैं और वो 4-5 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। चलो 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो आप, नोट डाउन कर लो सीधा, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, जो 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब चौथा क्वेश्चन देखो, मैं बोल देता हूं कि सोहन है, सोहन नाम का व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को 400 रुपए कर्जा देता है और 2 वर्षों के लिए संतोष को देता है। यानी संतोष नाम का एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है सोहन नाम का। सोहन नाम का व्यक्ति है वो 400 रुपए कर्ज के रूप में देता है, 400 रुपए कर्ज के लिए देता है और कितने साल के लिए देता है, 2 साल के लिए देता है। और वो क्या कह रहा है कि 2 वर्षों का ब्याज है वो 80 रुपए लेना चाहता है। वो ऐसे कह रहा है कि 2 साल का जो ब्याज है वो इतना है और उसके बाद में ये कह रहा है कि आप मेरे को रेट बताओ, रेट कितने परसेंटेज है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कैसे बोलता हूं, सोहन ने संतोष को 400 रुपए कर्ज के रूप में दिए, ठीक है। सोहन संतोष से ये कह रहा है मैं तेरे को 400 रुपए दे तो दूंगा। वो कह रहा है कि भाई दे तो दोगे मेरे को, लेकिन कितने साल तक चाहिए, 2 साल तक चाहिए मेरे को, 2 साल के बाद में मैं आपके रुपए चुकाऊंगा। वो बोले ये भी मंजूर है मेरे को, वो बोला ये भी मंजूर है मेरे को, लेकिन मैं क्या, मेरे को 80 रुपए ब्याज के लूंगा। मैं जब मैं आपसे रुपए लूंगा तो मैं आपसे 80 रुपए ब्याज के लूंगा। वो सोहन है ना,
जो संतोष है वो सोहन को कह रहा है कि मैं आपको 400 रुपए दे तो दूंगा कर्जे के, लेकिन है ना मैं जब आपसे रुपए लूंगा तब 80 रुपए आपसे लूंगा, मैं 80 रुपए ब्याज के रूप में लूंगा। तो वो कह रहा है कि चलो ले लो, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाके कहता है कि उस व्यक्ति से मैं इतने रुपए लेकर आया हूँ, बेटा तू फटाफट से कैलकुलेशन करके बता कि 80 रुपए तो ले रहा है लेकिन कितने रुपए की, कितने ब्याज की दर से ले रहा है, कितने परसेंट ब्याज की दर से ले रहा है, उसको भी ये पल्ले नहीं पड़ी। चलो हम करते हैं ये क्वेश्चन और उसको बताते हैं भाई कि मोहन जी कि आपकी जो रेट है वो इतनी है, ठीक है। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जो सबसे पहले या फिर ऐसे मैं कहूं जो प्राचीन काल से चला आ रहा है साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में कितना होता है 100 होता है। ये साधारण ब्याज है कितना है 80 रुपया है और बराबर में कितना है मूलधन है कितना 400 रुपया और दर मेरे को पता नहीं है, समय कितना है 2 वर्ष है, बट्टे में कितना है 100 है। मुझे रेट निकालनी है, ये 80 है गुणा में ये 100 है इधर आ जाएंगे और ये 400 और गुणा में कितना 2 नीचे आ जाएगा, 100 का बड़ा बोला 4 बार 400 आ जाएंगे और 4 दुनी 8 हो गए ना, 4 दुनी 8 हो गए, 8 का पाड़ा 1 बार बोला आगे 0 है, यानी जो हमारी रेट है वो कितनी आ गई 10% की दर से। देखो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसी क्वेश्चन से एक बनाता हूं और मैं, यहां से ये चीज समझ में आई क्या, जो प्राचीन काल से हमारा जो फॉर्मूला चला आ रहा था उस फॉर्मूले में मैंने जो मेरे पास जो चीजें थी वो रख दी और जो नई थी वो भगवान के भरोसे छोड़ दी कि भाई निकाल लेंगे गुणा भाग करके। और यहां से मैंने क्या किया कि जो ब्याज की दर है वो फाइंड आउट कर ली और कितनी आई 10% आई। देखो इसी क्वेश्चन से मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं, एग्जामिनर के जो पूछने का तरीका होगा ना वो डिफरेंट टाइप हो सकता है, हम क्या करेंगे वही डिफरेंट टाइप करने की कोशिश करेंगे जिससे वो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेगा हम उसके फटाफट से उसके मुंह पे मारेंगे कि ये पकड़ तेरा क्वेश्चन और ये ले तेरा आंसर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि 400 रुपए में तेरे को दे तो दूंगा 2 साल के लिए, वो कहेगा कि तू मेरे को मिश्र धन के रूप में मैं तेरे से 480 रुपए लूंगा, मिश्र धन के रूप में मैं तेरे से 480 रुपए लूंगा 2 साल के बाद, तो अब बता तू मेरे को कि यहां पे रेट भी बता दी उसने कि कितनी है 10% की दर से है। और अब ये कह रहा है, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया कि मैं तेरे को 400 रुपए तो दे दूंगा 10% की लूंगा ब्याज की दर और 480 रुपए लूंगा, अब वो कह रहा है कि कितने साल के लिए होगा ये जो या जो 480 रुपए ले रहा है वो कितने साल के लिए दिए उसको, हमसे क्वेश्चन कर रहा है वो अब की बार कि मैं 400 रुपए मैंने किसी व्यक्ति को दिए और 10% की दर से मैंने 480 रुपए लिए, तो ये कह रहा है कि आप बताओ कि ये कब लिए, यानी कि ये उसने कब लिए और उसको कब चुकाई, यानी कि जो ड्यूरेशन है यानी कि उसका टाइम पीरियड है वो कितने लिए। तो आपके पास थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। और मिश्र धन जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, मूलधन प्लस क्या करते हैं ब्याज करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है मिश्र धन है, ये क्या है मूलधन है, तो अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा देता हूं तो क्या निकल कर आ रहा है बच्चा, ब्याज निकल कर आता है। तो 480 में से 400 रुपए घटा दो यानी कि 80 रुपए ब्याज के आ गए, 80 रुपए ब्याज के आ गए, तो मूलधन ये 80 रुपए ब्याज के, मूलधन 400 रुपया, दर है 10% की दर से और समय मेरे को पता नहीं है और बट्टे में 100 कर दो, अब कर दो वज्र गुणा, 80 गुणा हो जाएगा 100 से और बट्टे में आ जाएगा 400 गुणा 10 और बराबर में कितना आ गया समय। देखो 10 से 10 ये 20 है, 10 ये 10 ये और यहाँ पे ये बच गए 8, नीचे बच गए 4, 4 दुनी 8 और ये कितने आ गए 2 वर्ष के लिए आ गए। बताओ वीडियो कैसा लगा, समझ में कोई चीज नहीं आई तो बच्चा बताओ मेरे को कि भाई सर ये चीज आपकी नहीं समझ में, मैंने बिल्कुल भी ऐसा कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं लिया है, बिल्कुल आपके जो एग्जाम की दृष्टि से जो आने वाले क्वेश्चन है और जो इसका बेसिक कंसेप्ट है जो हमेशा आपको काम आएगा उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है। बताना वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और शहीदों को नमन और राम राम सा।